हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ मुंबई पाव भाजी। मुंबई बटर पाव भाजी। सबसे पहले हम लेंगे 5 या 6 बड़े आकार के आलू और इन्हें बॉईल करने रखेंगे और इसमें हम 7 से 8 सीटियाँ लगाएंगे। अभी ये हम 250 ग्राम फ्लावर लेंगे, इसको अच्छे से साफ करके धोकर और हम ये कॉलीफ्लावर के हमने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। अब इसको अच्छे से साफ करने के बाद, धोने के बाद हम इसे मटर के साथ, 100 ग्राम मटर के साथ बॉईल करेंगे। हम डालेंगे 1/2 चम्मच नमक और 1/2 चम्मच हल्दी और अब इसमें हम 2 सीटी लगाएंगे। अभी हम 2 बड़े आकार की प्याज लेंगे और इसे बारीक काट लेंगे। अच्छे से इसको बारीक छोटा छोटा चॉप कर लेंगे। अभी हम 1 बड़े आकार की कढ़ाई लेंगे और उसमें 2 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे और तेल गरम होने के बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज धीरे धीरे फ्राई होता है, तब तक हम अपना अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार करते हैं। इसको अच्छे से हम पेस्ट को कूट लेंगे। हमें बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं चाहिए, थोड़ा दरदरा सा पेस्ट चाहिए। अब हम इसे प्याज के साथ थोड़ा फ्राई करेंगे ताकि उसका टेस्ट उभर कर आए। अब हम लेंगे 3 मीडियम आकार के टमाटर और उन्हें बारीक बारीक काट लेंगे। अब प्याज भुन गई है और अदरक लहसुन का पेस्ट भी थोड़ा भुन गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच लाल मिर्च और टेस्ट के अनुसार नमक। थोड़ा सा मसाला भूनने के बाद हम इसमें टमाटर डाल देंगे। हम मसाले को ढककर धीमी आंच पर पकाएंगे। अब हमने 2 हरी शिमला मिर्च लिए हैं, इसे अंदर से साफ कर लिया है। इसके बीज हम बिल्कुल निकाल देंगे, हमें बीज नहीं रखने हैं। और हमने इसे बारीक बारीक चॉप कर लिया है। ये बॉयल्ड आलू हैं, इसको हमने अच्छे से मैश कर लिया है, छील कर साफ कर। ये हमारे टमाटर भी अच्छे से पक गए हैं। अब इसमें हम शिमला मिर्च डाल देंगे और फिर से 2 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। और ये हमारा कॉलीफ्लावर और पीज उबल कर एकदम तैयार हो गया है और हम इसको भी अच्छे से मैश कर लेंगे। ये हमारा शिमला मिर्च भी हल्की पक गई है, टमाटर भी बिल्कुल हमारे अच्छे से पक गए हैं। अब हम इसमें बॉयल कॉलीफ्लावर पीस और मैश आलू डाल देंगे। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें 1/2 ग्लास पानी डालेंगे ताकि भाजी में हल्की ग्रेवी रहे। अब हम इसको मैशर से अच्छे से मैश कर लेंगे और इसमें 2 चम्मच पाव भाजी मसाला डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें फिर से 1/2 ग्लास पानी डालेंगे ताकि ग्रेवी अच्छी हो जाए। इसमें 1 मिनट बॉईल करेंगे हम ताकि इसमें उबाला आ जाए और सब्जी अच्छे से पक जाए। हम हरा धनिया बारीक चॉप करेंगे और इसे भाजी में मिक्स कर देंगे। सब्जी का टेस्ट तभी अच्छे से आता है
तब आप जब आप उसे अच्छे से पकने देते। हमारी भाजी एकदम तैयार है। अब इसको हम एक सर्विंग बाउल में डाल लेते हैं गर्मा गर्म सर्व करने के लिए। अभी हम भाजी के साथ पाव सेकते हैं तवे पर, बटर लगा के, अच्छे से बटर लगा के पाव सेकिए। पाव आपको रेडीमेड मार्केट से मिल जाएंगे। और अब आपकी मुंबई पाव भाजी एकदम रेडी है खाने के लिए। प्याज और नींबू के साथ में पाव भाजी सर्व कीजिए, इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा और आप गरम गरम पाव भाजी इंजॉय कीजिए। मेरी इस रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। रेसिपी की सामग्री जरूर नोट कर लें जो कि वीडियो के अंत में दे रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।